विश्वास आप लोग जानते हैं कि इतना समय कोई विद्वान हूं भागवत के स्पष्ट करने योग्य भी नहीं हूं। महाप्रभु के विचारों को स्पष्ट करने का कारण प्राप्त नहीं, इसीलिए आप सब लोगों को बुलाता हूं और यहां के उत्खंड विद्वान विभूतियों को बुलाता हूं। आप लोग से सुनिए, मैं तो उसकी जानता है, बस यही मैं करता हूं और इससे मैं संतोष हूं। इतनी ब्रज की विभूतियां हमारे कोटि वैष्णव के नहीं सभी संप्रदायों के लिए श्री और तो आप लोगों को भी बुलाता है, इन लोगों को भी बुलाता हूं और संयोजन का कार्य करता हूं। आप लोग श्रवण की कैसी सुंदर सुंदर बातें आए, हमारे पहले सभापति महोदय ने रूप गोस्वामी के चरित्र को कितने सुंदर सुंदर तो देखान गौरवी जिसको सुनकर चरित्र साधन की आनंद में भी गौरव करके नृत्य करने लगते रूप गोस्वामी का यह श्लोक कारण करुणया वातावरण करुणा करुणा जाती करुणा के सब आपकी स्त्रिया आपकी भक्ति का स्त्री सतम जयी पाती हमारे रूप स्वामी ने कपी रसामित और उज्जवल मणि ने अपने समस्त ग्रंथों में जो कुछ वर्णन किया है उसका साथ साथ करके क्या है माननीय लक्ष्मीनारायण पंडित जी ने भी सबका सार मंदिर का प्राप्त कर रूप गोस्वामी के अनुगत्य में जुगल किशोर जी उन्हीं राधा बक्षी कृष्ण पक्षी नहीं कभी इन्होंने भी बताया राधा पक्षी है, हम कृष्ण पक्षी नहीं है। तो समस्त शास्त्रों का तात्पर्य इसे करके रूप गोस्वामी ने जितने भी शास्त्रों की रचना की है भक्ति साहित्य की रचना की है उसका अंतिम फल और परिणाम स्वभक्ति स्त्रियम और एक बात एक चीज बड़ी अच्छी है चैतन्य महाप्रभु ने जो कुछ प्रेम भक्ति प्रचार किया है अपनी स्वभक्ति की मंदिर भाव इत्यादि की उपासना इत्यादि की बातें गोस्वामी के माध्यम से दिया है किंतु महाप्रभु जी इतनी करुणा क्यों करते हैं क्योंकि राधा भाव में है ना इसलिए वे इतने दयालु है कृष्ण इतने दयालु नहीं है बड़ा मुश्किल है उनको प्रसन्न लगा बहुत मुश्किल राधा जी बड़ी दयालु है इसलिए महाप्रभु की जितना जितनी कृपा देखते हैं जीवों पर चाहे वो रूपमान गोस्वामी के माध्यम से हो सड़क स्वामी के माध्यम से हो अथवा और परवर्ती विश्वनाथ परवर्ती ठाकुर इत्यादि की ये सब ऐसी सुंदर सुंदर बातें ये बिखरी हुई मोतियां हैं जिसको ये लोग सब एकत्र करके लाते हैं यहां पर वितरण करने के लिए इसलिए आप लोग बड़े सौभाग्यवान हैं। बिना इच्छा के लिए वृंदावन में यदि आए तब समय भूमि में आने से वृंदावन स्वयं कृष्ण से भी बड़े दयालु हैं वृंदावन स्वरी है राधा उनकी करना है ध्यान ऐसे ही यहां आ जाएंगे तो भी मोक्ष और मुक्ति और ये सब तो मुक्ति इत्यादि की तो बात है तो भक्ति श्रेय कृष्ण की जो भक्ति जो राधा जी में है मदना स्वभाव पर जल उसकी आगा क्योंकि वृंदावनेश्वरी कौन है वृंदा जी ने अपना सर्वस्व वृंदावन का राजा
तब उस महाप्रेम की विधि की कोठरी का बाहर कौन नजर में को क्या कर दिया लोगों में देखा नहीं आगे चैतन्य महाप्रभु नहीं सकते यदि श्रीमदभागवत नहीं होता व्यास जी और सुखदेव गोस्वामी इत्यादि नहीं होते नारद जी नहीं होते तो कृष्ण को भी कोई नहीं जानता। वैसे ही यदि रूप गोस्वामी नहीं होते तो ये प्रेम क्या है ब्रज क्या है गोपियां क्या है राधा की क्या तत्व है ये कुछ नहीं छोड़ी नहीं है। इसलिए रूप गोस्वामी के हम सभी आभारी हैं और उनकी करुणा अनुभव हम लोग आचरण अधिक हो रही है। कल ऐसे ही बड़े बड़े विद्वान लोग आएंगे रसिक लोग आएंगे कर्तव्य लोग आएंगे आप लोग ठीक 5 बजे के पहले 4:30 बजे उपस्थित हो जाने की चेष्टा करें जहां से हम लोग कुछ अस्वस्थ चल रहे हैं इसलिए 7:30 बजे के पहले हम लोगों को इसलिए आज ही तो हम लोग सभा समाप्त कर रहे हैं और कल ठीक समय पर आप लोग आएंगे कृष्णदास जी महामंत्री।